आगाज बड़ा दिलचस्प और सनसनी खेज हुआ पीएसएल का। पहला मैच लाहौर कलंदर ने जीता 1 रन से, दूसरा मैच पिशावर जर्मी ने जीता 2 रन से, लेकिन जितने सनसनी खेज मुकाबले पहले और दूसरे दिन हुए उतना ही यकतरफा मुकाबला आज हुआ। क्वेटा और मुल्तान का आज मुकाबला था, यानी कि सरफराज का और रिजवान का आज मुकाबला था, और ऐसा लगा जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स तो मतलब मुकाबले में कहीं है ही नहीं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, 20 ओवर्स भी पूरे ना खेल सकी, 110 रन पे पूरी टीम आउट हो गई, और मुल्तान ने सिर्फ 14वें ओवर पर ही ये नुकसान यानी रन पूरे कर लिए, 111 रन बना लिए। यूं मुल्तान ने आज क्वेटा को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ये हुआ है, आप किस तरह आप क्यों डाले यार मुल्तान? अच्छा, मैंने आपको कहा था आपने कहा था मुल्तान जीतेगा। हाँ, लेकिन मुझे आज अफसोस है। किस बात का? किसी कम बख्त की बद्दुआ लग गई, मेरा भाई रोज वहां से भाग के आता था, लेकिन आज यहाँ खड़ा हुआ। तो कल ही ये भागना डिस्कस हुआ था और आज कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से, यानी मुझे प्रोडक्शन घुटनों में दर्द हो रहा है, बस रहा है वहाँ इसी तरह कमजोरी हो रही है। नहीं बस मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। So, इससे पहले कि मेहमान का तारुफ कराऊं, यूनुस भाई क्या हुआ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स बुरी टीम है या आज उनका दिन नहीं था, क्या हुआ यार? अली बुरी टीम नहीं है, पहला मैच था, और जो मेन पॉइंट है हमने मुल्तान में जो पिचेस देखी हैं वो अभी तक टीमें बैट्समैन समझ नहीं पाई है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमने देखा कि वो ज़्यादातर जो बैट्समैन होते हैं बैटर्स होते हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं चौके छक्कों की, सही है। ये पिच ऐसे है नहीं, ओके। इसमें आप प्रॉपर खेलोगे, जो हमने लास्ट मैच भी देखा, जब पहला मैच हुआ तो उस दिन भी काफी एहसान उल्लाह जिस थे उस दिन भी बॉलिंग की थी, और आज तो अमेजिंग कमाल कर दिया, आज तो उन्होंने अमेजिंग 12 रन देके 5 विकेट, मतलब अमेजिंग अमेजिंग स्पेल कर दिया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से बैटर्स को चाहिए कि मुल्तान की पिच पे खेलते हुए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पहले बॉल से आके ही शॉटें लगेंगी, थोड़ा सा अपने आप को कंपोज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बाउंस मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। पेस भी है, पेस को यूटिलाइज करें बैट्समैन वहाँ पे। आप टिपिकल T20 के हिसाब से नहीं खेल सकते, कराची में ऐसी पिच है आप खेल सकते हैं हाई स्कोरिंग, सही है। क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहना पड़ेगा, सेंसिबल खेलना पड़ेगा, पेस को यूज करना पड़ेगा बैट्समैन। आपने कराची की पिच की बात की है तो मुझे जरा इसमें बात करने दें, ये बाबर आजम और आमिर का बड़ा रौला पड़ा रहा सोशल मीडिया हर जगह, आमिर का एक इंटरव्यू उसकी वजह भी बना, आमिर ने कहा लड़की का मामला ही ऐसा होता है। क्या लड़की का मामला ही ऐसा? नहीं, ये दोनों खिलाड़ी और दोनों लड़के हैं। अच्छा, सॉरी, बाबर, मैं बाबरा नहीं कहा, मैंने बाबर कहा, बाबर और आमिर का, लड़की का नहीं है, बॉल और बैट का मामला हाँ, बीच में हाँ। दोनों। वैसे वसीम भाई वो आप खजूर का तेल लगाओ घुटनों के दर्द। अच्छा ठीक है, मैं देखना, अब आपने नहीं सजेस्ट करना मुझे, ठीक है। उसमें अगर शहतूत का तेल भी थोड़ा मिला दें तो शहतूत का तेल मिला के लगाए नहीं। मैं आपको भाग के दिखाऊंगा कि मैं भाग वसीम पहले तो अरे पहले आज के हमारे असल मेहमान के दारों से पहले आज खवातीन जरा मिनी टैक्स लग गया है, 170 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लग गए हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए। सर वसीम तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे बुलाया। सर आप ये मुझसे तू करके बात नहीं कर सकते। नहीं, जब मेरी इज्जत नहीं रही तो मैं भी किसी की नहीं करूँगा। मैंने आपको बेइज्जत तो नहीं किया ना। दूसरी बात ये कि इस सेट पे इस वक्त एक ऐसा आदमी है जो पिशावर जलमी की जीत पे ना इतना खुश हुआ, उसने कमरे के अंदर बनियान में डांस किया है। क्या बात कर रहे हैं जी, और यही पे मौजूद है। आदमी का नाम कैसे शुरू होता है? बिल्कुल उसका नाम बैठा हुआ वो आदमी सामने। अच्छा, कराची किंग्स के खिलाफ बड़ी मुश्किलों से जीता, बड़ी मुश्किलों से जीता है। इस पे डांस तो बनता है, से जीता तो आप करते कोई मसला नहीं, कह रही अच्छा था, लेकिन आप इजाजत दे तो मेरा आज के असल मेहमान। बिल्कुल वसीम, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया, वरना मुझे आजकल कोई पूछ ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, सिर्फ इसाक डार आपको हर जगह नजर आएगा, और मेरी ये जोप जो है ना इसने खत्म कराई है। नहीं लेकिन आप तो देखिए ना, जो आप कह रहे थे वही हो रहा है, तो आप तो सुरखुरु हो गए। लेकिन हमारे आज की जो मेहमान है, आपने उनको देखा है, बार बार देखा है, और आपने उनको बार बार पसंद किया है। क्या मॉडल बल्कि जी? अच्छा,
यार क्या बता रहा हूँ, तो कराने दे यार मजा आ रहा है। तो मैं जल्दी से तारुफ खत्म कर दूं, वरना आपने जो और चस्के लेने, तो मैं उनको मॉडल कहूँ, सुपर मॉडल कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा हमारी। हाँ भाई आप नाम ले लो, आप बता दो कौन है आज की मेहमान। आप नाम लो, मैं मजे लेता हूँ। ठीक है, भरपूर ताली में आमना इलियास है हमारी आज की मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो क्या ये आप पहले अटेंड कर लें मेरा खाने मस्त? नहीं नहीं खैर बाद में कर लूंगी। देखो मैं मुनाफ प्राइवेट हूँ। मैं चेक कर रहा था, मैं यही नंबर है ना आपका, यही नंबर है ना, मैं चेक कर रहा था। अच्छा, सर आप क्या कर रहे हैं? नहीं मैंने अपने वो, मैं आपको पता ना चोचो मो, हमारी एक वो है चोचो मो, ऐड के लिए मैंने बात करनी थी। अच्छा, इश्तिहार के लिए मैंने चेक करने के लिए। मैं ही ओन्स अ वेरी रिनाउंड ब्रांड बाय द वे, तो अगर आपको ये ऑफर करें तो आप काम करेंगे? आपकी मिस कॉल आ गई है मेरे पास, मैंने सेव कर लिया। बस मैं आपको सुबह के मॉर्निंग मैसेज भेजूंगा, फिर शाम में आप लोग काफी पियेंगे। सर क्या आप काम की बात? गेम यही से शुरू होता है, आपसे ज्यादा कौन जानता है। ऐसे नहीं कहो वसीम भाई, थैंक यू। सांप की दुम होती है ना, वो रगड़ो घुटनों पे आप। मुझे नहीं हुआ है कुछ यार, क्या हुआ है? सही हुआ है सर, लेकिन ये बहुत हैवी बजट होगा इनका। इतना ट्रीटमेंट बता दिया, कल से भाग के ही आएंगे इंशाल्लाह। भाग के दोबारा आपको मौका नहीं देंगे बोलने का। हम चाहते हैं वसीम भाई भागते रहें, हाँ। क्योंकि इनके हालात सही होने वाले हैं। एक वसीम है जो कल ठीक हो जाएगा, एक हमारा लीडर जो है वो गया था वहाँ पर इलाज कराने, आज तक वापस ही नहीं आया। वापस नहीं आ रहा लंदन मेरे ख्याल में, वही घर पर। लेकिन वसीम भाई ये जो आज वो मैं आज देख रहा था न्यूज, मिनी बजट आ गया भाई, सब महंगा हो गया मजीद सब, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ। जी तो पाकिस्तान मैं कर रहा हूँ, हर लम्हा पुरजोश मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शो के बाद आप सबको ड्रॉप मैं कर रहा हूँ, और कितनी नौकरियां करूं यहाँ सर्वाइव। अभी भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे, खर्चे वो लाहौर में रहते कामरान भाई। हाँ। उस दिन मैं इनको लाहौर छोड़ के वापस आया, मुड़ के देखा तो पीछे बैठे, मैंने कहा ये क्या हुआ, कहते मैं उतरा ही नहीं। क्यों नहीं उतरा? ये डबल डबल चक्कर लगवा रहे हैं। बहुत मुझे नहीं समझ आ रहा। और आपको एक बुरी खबर भी देना चाहता हूं। खबर वसीम भाई, आप पे भी टैक्स लग गया है। मुझ पे टैक्स लग गया जी, लग्जरी आइटम्स पे मैं लग्जरी लग गया है। आप लग्जरी आइटम, आप बहुत तेज आदमी हो, आप इस वक्त इस माशरे के लिए, इन लोगों के लिए आप एक मिसाल हो। क्या मतलब? आपने बहुत पहले ही देख लिया था कि महंगाई आने वाली है, इसलिए आपने दुनिया के हर चैनल पे इतना काम किया। उसके अलावा परफ्यूम आप बना रहे हो, टोफिया आप बना रहे हो, फिनाइल की गोलियां आप बना रहे हो। ठीक नहीं कर रहा मैं, ये कौन बता रहा है? बस आप एक काम करो। हाँ। आपके अंदर जो पोटेंशियल है, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पर फरोगशिप को एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा ठीक है, तो मैं तो पढ़ के आया हूँ बिजनेस बार से। आप एक काम करो, आप एक टोफी लॉन्च करो, मासूमाना टोफी की टोफी बहुत चलेगी, बहुत चलेगी। और उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको जो परफ्यूम बचा हुआ उसमें थोड़ा चलेगा, खुशी की खुशबू बेहतरीन होगी। और वसीम भाई अगर महंगाई खत्म नहीं हुई तो मैं इस शो पे अपने कपड़े उतार के बेच दूंगा भाई, हो जाएगा खत्म बस। क्या हो गया? नहीं करो उल्टी हो जाएगी, नहीं करो। वैसे आमना आपके खैर में क्या ये वाली गवर्नमेंट ने ज्यादा आवाम पे ज्यादा बोझ डाला है आपके खैर में प्रीवियस गवर्नमेंट ने? वेल मुझे प्रीवियस और अभी का तो नहीं पता, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जी महंगाई बहुत हो गई है, बड़ा खर्च हो गया तो, है ना। जो भी करंटली सुपरवाइज कर रहे हैं, जो भी गवर्न कर रहे हैं, आई थिंक दे रियली नीड टू टेक इट इनटू कंसीडरेशन कि कुछ करना चाहिए। मामला बहुत सीरियस हो रहे हैं, चले भाई मामला बड़ा डिप्रेसिंग हो रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, मजीद डिप्रेसिंग बातें नहीं करते, अल्लाह खैर करें। एक तो वैसे ही घुटने का मसला आगे से महंगाई यार, मैं मासूमान ओवर का आगाज कर तो आमने अलिया सर आपसे मैं बातचीत करता रहूंगा, इजाजत है मेरा गेम का आगाज करूं तो मासूमाना ओवर एक छोटा सा गेम है, तो उसका आगाज करें। आप मशहूर है मासूमाना सवालों के लिए। ठीक है चले, तो बढ़ते हैं आज की पहली गेम की तरफ। चले भाई भाई आमना एक सवाल हमने लोगों से पूछा, 50-100 लोगों से, तो उन्होंने उसके बहुत सारे जवाब दिए, जो टॉप 4 जवाब आते हैं ना हमने यहाँ पे लिख दिए, लॉक करके रखे हैं। तो मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा, आप इनसे मशवरा कर सकते हैं, सबसे मशवरा कर सकते हैं, और आपने गेस करना है कि लोगों ने क्या जवाब दिया होगा। सो वी विल सी कि आपका गेस सही है या नहीं है। ठीक है, सवाल बड़ा सादा सा है भाई। एक सिचुएशन है कि शादी में हमने लोगों से पूछा कि शादी में अगर रिश्तेदारों को खाना ना मिले तो क्या करेंगे वो, क्या मतलब? वैसे किसी ऐसी शादी में गई कभी ना खाना वाना? नहीं ऐसा कभी हुआ तो नहीं, खाना कम हो गया। हाँ ऐसा हुआ। हाँ। तो आप महरूम रही आप खाने से? नहीं मैं तो वैसे शादियों में जाके खाना नहीं खाती।
वो लोग तस्वीरें बनाते रहते होंगे तो. नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मेरा पब्लिक गैदरिंग्स में मुझसे खाया नहीं जाता. वजह आई डोंट नो, मैं पब्लिक गैदरिंग में नहीं खा सकती. देखिए बड़े लोगों की बड़ी बात है, समझ नहीं आया लेकिन सही है, समझ नहीं आया लेकिन सही है. ये वैसे ही मॉडर्न लोग है ना, ये अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं. किसका? तो ये बाजरा वाजरा खाते रहे. नहीं नहीं, बाजरा खाते क्या मतलब? पब्लिकली कम खाना पड़ता है ना लोगों को दिखाने, घर जाके ज्यादा खाती हूँ. घर जाके इजी हो गए. रैलियों में लपेट रही. भाई मैं तो मशवरा दूंगा कि अगर कोई खाने का ना पूछे आपको तो आप हिसाबदार को गालियां दो और घर जाओ. अच्छा यार आप हर बात उनको ना, गुरु भाई आप मशवरा बताए. नाराजगी होनी चाहिए बाद में. नाराज होंगे, नाराज होंगे, बड़ा ऑब्वियस सही लगता है कि नाराज होंगे. यही कि इतना पैसा कहाँ लेके जा रहा, खाना तो एक्स्ट्रा बना नहीं, पर करेंगे क्या है ना सवाल. हाँ, क्या रिएक्शन होगा? मारेंगे या लड़ाई करेंगे? सो आप बेसिकली कह रहे हैं तंज मारेंगे, ताने मारेंगे, नाराज होंगे, डांट मारेंगे, गॉसिप्स करेंगे, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो एक ऑप्शन हम ये लॉक करते हैं कि नाराज, तंज, इस तरह. भाई बताएं इन चार में से कोई एक ऑप्शन ये वाला है, नाराज होना, तंज करना, ताने मारना, ये कोई ऑप्शन है ताकि पता चले कि इन्होंने जो जिंदगी भर ताने मारेंगे. बिल्कुल बड़ी बात सही. आप कोई फायदा नहीं है, बोटी मिली नहीं हमें. क्या बोटी नहीं मिली शादी पे? ठीक है ठीक है, एक ऑप्शन तो हो गया, और क्या हो सकता है? ये तो सही हो गया. जो साथ वाले की शादी में जाके खा लेंगे, बराबर वाले हॉल में चले, लाइन लगी हुई है ना. अच्छा तो अगले हॉल में चले, शादी छोड़ के चले जाएंगे. बायकॉट, बायकॉट, ऐसी ऐसी शादी को मतलब निकल जाएंगे. नाराज गो दूल्हा गो, चले जाएंगे, चले जाएंगे, नाराज होके चले जाएंगे. या लड़के भी जा सकते हैं, बट आई थिंक नाराज होके चले जाएंगे, शादी छोड़ के चले. अच्छा ये ऑप्शन लॉक कर दें. ठीक है सर, कोई तरीका है यार. अच्छा सर, सो अच्छा एक आप कह रही है, आमना कह रही है कि हम शादी छोड़ के चले जाएंगे. सही है, चलो अब हम ये वाला जो हमने लॉक कर दिया. लेकिन चलो ये मैं आपको बता दूं, हमने जो लोगों से पूछा है, अब बहुत सारे लोगों ने, चूंकि हम उनकी शनाख्त होता है, लोग जो है वो खुल के बताना ना चाह रहा हूँ. तो भाई इन चार में से कोई ऑप्शन, किसी ने हमें ये ऑप्शन तो नहीं दिया कि हम शादी छोड़ के चले जाएंगे. अच्छा। हाँ तो ये तो हो गया गलत भाई. हाँ। एक पे तो आप मार दे क्रॉस. ठीक है, एक जवाब सही हुआ और एक हो गया गलत. अब हिंट दे, कोई करीब करीब पहुंचाए हमें. अच्छा मैं हिंट देता हूँ, मजे की हिंट है भाई. मस्त नहीं है, बड़ा आसान हो जाएगा. पैसे नहीं देंगे, वो जो सलामी देंगे. कारीगर भाई तू हमें खाना नहीं दे रहा, हम दे भवानी दे रहे. ये बताए भाई ये ऑप्शन है या नहीं? मेरे ख्याल में ये ऑप्शन में से बनता है, लिफाफा नहीं देंगे. ईमानदारी से बताएं आपने शादी में सबसे बड़ा लिफाफा कितने का दिया होगा? मैंने हाँ आजकल की महंगाई के हिसाब से. आप हम थोड़ी कह रहे हैं उनका नाम बताएं कि आपने मुनाफ भाई को दिया है, किसको दिया है? मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं, मेरा मेमोरी लॉस हो गया. बड़े लोगों की बड़ी बात है, याद ही नहीं है पैसे देके. कोई डॉलर याद है? अमीर हो ना, कोई इतना अमीर हो डॉलर दे दिया करे. डॉलर दे दिया सर आपने? डॉलर का भी जो हाल किया आपने सर, क्या किया? तो तीन में से आपके दो जवाब सही हो गए, एक जवाब आपने और देना है, दो आपके. अच्छा करीब पहुंचाया मैं यार. एक और हिंट भी बड़ी सिंपल है कि खाना खत्म हो गया है, बट यू हैव मेड इट अ पॉइंट कि आपने खाना तो खाना है और आप बराबर वाले शादी हॉल में भी नहीं जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, हैं बैठे रहेंगे. क्या करेंगे बाहर से? खाना तो खत्म हो गया है ना, बाहर से मंगवा लेंगे. बाहर से मंगवा लेंगे? नहीं, होस्ट को कहेंगे कि बाहर से मंगवा दें. आपने जरूर बाहर से मंगवाना है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दें. एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दें और क्या हो सकता है? प्लेटों में से बचा हुआ खा लेंगे. हम खा के जाएंगे. अब मेरा पता, मेरा पता है क्या मसला है, मैं दो एक्सट्रीम से फंस गया हूँ. एक तरफ बहुत ही एलीट है जो कह रही है बाहर से ऑर्डर कर देंगे, एक तरफ शदीद गरीब आदमी है जो कह रहे बचा हुआ खा दूंगा. बीच का रास्ता भी है भाई. मैं अपनी मामा को कहूंगा. मैं अमीरों और गरीबों के बीच में मिडिल क्लास हूं. मैं अपनी मामा को कहूंगा, मामा आप बताइए कुछ, इनको कह रही हूं आप बताइए कुछ. बता तो दिया कल तो बहुत बता रहे थे, कल को हमारे मेहमान जिनको, तो आज पता नहीं क्यों नहीं बता. जलमी की सपोर्टर थी. आप किस टीम की सपोर्टर है भाई? आप जलमी को सपोर्ट करें तो बहुत सारे हमें हमारी तरफ से आपको. नहीं भाई मैं तो कराची की हूँ, तो मैं कराची की. तो आखिरी तुक्का क्या बताया? आपने मेरी शर्ट नहीं देखी, ये कराची किंग. ओ शेर, मैं समझा आपने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किया. अच्छा मुझे लगा कब से मथीरा बैठी हुई. शेर शेर छोड़े, छोटा सा जो है आगे चलते. क्या? नहीं तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे. ऐसा खाना जो घर जा रहा हो या वो उनके लिए जो काम करने वाले. वो सिंपल है, आप हार मान लो तो मैं आपको बताया. तो हार, हम हार के हार नहीं मानेंगे. हिंट तो दे ना यार. हिंट दिए मैंने, और मैं क्या दूं आपको? नहीं नहीं क्या दूं? नहीं आप
खाना भी खा रहे हैं, बाहर से ऑर्डर भी नहीं कर रहे, बराबर वाले हॉल में भी नहीं आ रहे, तो क्या कर रहे हैं यार? दोस्तों वेट कर रहे हैं, नहीं खाना खा रहे हैं ना, क्या तरीका? दूसरों से मांग के खा लेंगे, खत्म हो गई बात यार, बाकी आसपास के लोग खा रहे हैं, शेयर कर लेंगे उनसे, बस ये आप, लेकिन पर आपने कहा कि खाना खत्म हो गया है, तो शेयर कैसे करेंगे भाई? तो ये थोड़ी कि खाना आया ही नहीं था, मैं तो कहता हूँ कि ये कर लेना चाहिए इनको, बटर सिस्टम के आप बिरयानी दो और मुझसे आप खीर माल ले लो, बटर सिस्टम ऑन कर। सर ये कोई नहीं, आप ये कह रहे हैं, थोड़ी चल रही है भाई। वसीम भाई आप ये कह रहे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पहाड़ियां बनाई हुई है, जिन्होंने वारदात डाली है, जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां बनी हुई है उसमें से ये पहाड़ी, ये ऑप्शन दिखाया भाई, बाकी दो ऑप्शन दिखाए, आमना के दो सही हुए दो गलत हुए, तो किसी ने लेकर खा लिया, एक गलत हुआ है किसी से, मतलब जो पहाड़ी वो गलत है ना, आपने ताने वाला बताया और लिफाफा बताया, बाकी दो तो नहीं बताया ना, गुस्सा करेंगे तो सर वही बोला, हमने तो कहा लड़ाई करेंगे, गुस्सा करेंगे, ये बस यही सुनते हैं, चलो वैसे गुस्सा करेंगे सही है, गुस्सा करेंगे, तीन सही मान लेते, चार सर चार हो गए ना यार, सर चारों सही हो गए ना भाई, इतना कभी आप अपने हक के लिए नहीं लड़े, नहीं यही तो है कि दूसरों के हक के लिए लड़ना है, यही एक प्लेटफॉर्म है, लड़ना पड़ता है, अगर आप दूसरों के लिए आवाज उठा करेंगे तो मुल्क के लिए आवाज कौन उठाएगा, मतलब आप इतना बिजी हो जाएंगे, मुल्क के लिए आवाज है, चार में से तीन जवाब तो वेल प्लेड, ठीक है चलो तालियां बजा देते हैं आपके। तो सर वैसे ये बता दें कि ब्रेक पे जाने से पहले वो मरियम नवाज शरीफ साहब ने आपकी लीडर ने कहा था कि वो बिजली की जब महंगी की थी आपने, उन्होंने कहा था बिजली की प्राइसेस वापस ले लें, आज तो सब महंगा हो गया, डार साहब ने कर दिया, नहीं कोई तरीका नहीं है, देखो पापा की प्रिंसेस मुझे ट्विटर के ऊपर बोलती थी कि भाई ये प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, भाई ये कर लो भाई, और भाई आप खाला की उम्र की आप लेडीज हो, आप मुझे भाई बोल रही हो, पहली तो नो बॉल ये हो गई, नो बॉल कैसे हो गई, और मैं भी ये कर देता था, जैसे ये नहीं होता वसीम भाई आप जा रहे हो अपनी प्राडो के अंदर, आपके पास तो तीन चार है ना प्राडो, इसके ऊपर टैक्स लगाओ, अच्छा बात नहीं है, आप जा रहे हो एक बाइक वाले का स्टैंड है, आप बिना वजह में होशियार बन के बाहर निकल गए, भाई स्टैंड उठा लो, वो भी ये कहता कि हाँ ठीक है, तो मैं भी ये कहता था कि हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, सुनता बोलता नहीं था पापा की प्रिंसेस की सर, लेकिन मुझे बताया बस आवाम बहुत परेशान है आज, बाकी 170 रुपए का आवाम किस तरह बचत करें, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, एक घर है आप बताओ सिनेरियो, फॉर एग्जांपल वो 100 रुपए कमा रहे हैं जी, और खाने वाले 10 लोग हैं, तो ये क्या किस तरह ये वो उसको चाहिए कम से कम बच्चे पैदा करे यार, अब तो 10 हो गए ना, मतलब अब तो हो गया, क्या करें 10 लोग खाने वाले, 10 खाने वाले और 100 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए कमा रहे, फॉर एग्जांपल 100 गए मेरे, पहले तो सबसे पहले अगर 10 लोग हैं ना, तीन को तो आप टपका दो, क्या बात है, तकिया रख के मारो, आपको किसने कहा कि किसी को हायर करो सुपारी, तो नहीं तकिया रखो ऊपर बैठ जाओ, बंदा ठंडा हो जाएगा दमने क्यों, और ज्यादातर कोशिश करो कि 40 साल की उम्र से ज्यादा का जो आदमी है ना उसको टपका, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, तो इसीलिए तो 100 रुपए बाकी लोग, हाँ जी पहले तो ब्रेक ले ले, मेरा ख्याल है ब्रेक ले ले, चलो सर मैं ब्रेक की इजाजत दे, आप इसके अलावा भी मेरे पास तरीके, आप पूछना मुझसे मैं बताऊंगा, वो क्या 10 में से 3 तो गए 7 बजे, अभी जो 2 है ना बड़ी उम्र का आदमी, जो अगर दादा जी है वो बहुत ज्यादा खांस रहे हैं, तो इनकी खांसी की दवाई ऐसे गायब करो कि खांस खांस के खांस खांस बजट में आए, वो बजट में आए, तो बड़ी ये तो रूथलेस बात हो गई, ये तो देखो ना हर चीज पे टैक्स लगा दिया इस आदमी ने, गालियां मैं सुनूं, ये कब्रों के ऊपर टैक्स लगाने का इसने बात की है, कि अगर किसी की शोशा वाली कब्र है थोड़ी बड़ी कब्र है तो इसके ऊपर टैक्स लगाओ, यानी कि नो बॉल भी हो रही है, क्योंकि कब्र ये है, ये थोड़ा नो बॉल कब्र में, नो बॉल स्टेप आगे आ रहा ना, एक लंबा स्टेप आ रहा है, लेकिन वसीम भाई मैं आपको एक बात बताऊं, अगर टैक्स लगाना ही था ना तो रिश्वत पे टैक्स लगा दे ताकि मुल्क के कर्जे उतर जाते, आपने कहा मिडिल क्लास हो, आपके ऊपर इतने टैक्स लगे, इतने टैक्स लगे कि आप भी गरीब हो जाओ, नहीं मैं बड़ा बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, मैं एक ब्रेक लेता हूं, उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरी गेम की तरफ, आपने इलियास हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, ब्रेक के बाद आते हैं हम दोबारा, माइक अचानक खुल गया ना, ऐसी वैसी बात ऑन एयर नहीं चली गई, मैं कह रहा था अल्लाह हैज बीन काइंड, यही ऑन एयर गया है, ना कोई ऐसी वैसी बात ना कोई ऐसी वैसी हरकत, हाँ कुछ भी ऑन एयर नहीं, चले अच्छा हो गया। सो अच्छा भाई, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस वक्त खवातीन का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान और आयरलैंड का मुकाबला चल रहा है, पाकिस्तान की जानिब से मुनीबा अली साहिबा ने आयरलैंड के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलते हुए सेंचुरी स्कोर की, 102 रन बनाए थे मुनीबा ने, सो मुनीबा अली के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त क्या बात है, और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जबरदस्त पाकिस्तान से बाहर उन्होंने। सो हम बढ़ते हैं अपने मासूमाना ओवर की दूसरी गेंद की जाने, ये आमना कुछ शेरो शायरी से कुछ शौक वो है कुछ खास सुन लेते हैं, कोई सुना दे हमारी शान में, एक सुना भी देते हैं, कोई सुना दे, मैंने कहा तू, अच्छा आपने सुनाया कभी किसी को? मैं बिल्कुल नहीं सुना है, अच्छा सुने बहुत है, अच्छा
आपको लोगों ने बहुत सुना है, आपने जिंदगी में बड़े बड़े लोगों से शेर सुने होंगे, लेकिन मैं आपको अभी जो शेर सुनाने लगा हूँ ना, मैं कहता हूँ आपने के 14 तबक रोशन हो जाएंगे, क्योंकि ये शेर सुनाने वाले कोई आम इंसान नहीं है। अच्छा, केला इंसान? ओहो, जी केला इंसान है। के क्या मतलब है यार इस बात का? ना आम इंसान नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, खैर। तो ये जो है वो बहुत इन्होंने बहुत सारे शायरी के दीवान पढ़े हैं। जी जी। और शायरी का 550 साल का तजुर्बा है। अच्छा। आप पहले शेर सुनो, उसके बाद मैं सवाल करूंगा। आए एक जबरदस्त शेर सुनते हैं, एक जबरदस्त सी पर्सनैलिटी है। सुनाए सुनाए। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। भाई क्या शेर पढ़ा अंकल सरगम ने, क्या शेर पढ़ा यार। ये सिंध के वजीर आला रहे कायम अली शाह साहब, बहुत अरसे तो उन्होंने सर्व किया है। ठीक। अच्छा, क्या तो शेर उन्होंने पढ़ा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई अच्छा। मैं इससे पहले कि सवाल को भाई, आपका कोई शेर जो आपको याद हो, कोई भी एक शेर, जिसको शेर याद है हमारे पैनल में से एक एक शेर सुनेंगे, फिर आप लोग फैसला करेंगे सबसे अच्छा शेर किससे सुनाया। ठीक है, पहला शेर तालियों से। हाँ, चलो पहला इनको सुनाना ना। सुनाओ भाई, जरा रोमांटिक है, रोना नहीं है आप लोगों ने यार। सुनाए यार। और तमीज का शेर, तमीज का शेर। हाँ, मैं सुनाए सुनाए, अब मैं उल्टी कर दूंगा। अच्छा, सुना दे यार। हाँ, मेरे यारों, हाँ, उसकी गली से मेरा जनाजा ना लेके जाना। ये आमना फोन पर जवाब पूछ रही है लोगों से। नहीं, नहीं। हाँ, आमना इलियास से चीटिंग शुरू कर दी, जवाब पूछना शुरू कर दी। शेर कौन सा जवाब, कुछ जवाब थोड़ी पूछा। अच्छा, फोन के इस्तेमाल पे पाबंदी है, वरना फोन छीना जाता है। एक महबूब है और एक अयाज है। अभी सवाल तो आएगा। अच्छा आएगा। हाँ, शेर सुना, शेर सुना, जल्दी सुनाए भैया। मेरा जनाजा उसकी गली से ना लेके जाना यारों, उसकी माँ देख के कहेगी जाते जाते फिर राउंड लगा गया। ये पढ़ ये शेर सुनाया आपने। मैंने उससे प्यार, बस हो गया आपका, एक शेर सुनना है, दो नहीं सुनना। मैंने उससे प्यार, बस आप सुनाएंगे सर पे। मैंने उससे बस वो सुनाएगा यार, अर्ज किया है जी। इसे मेरा इसमें शायरी का मैं बॉडी लैंग्वेज देखने वाली। अच्छा ठीक है, बहुत प्यारी शायर ने कहा है कि इसहाक डार दिखा ना तू मुझे भरम। अच्छा, इसहाक डार दिखा ना तू मुझे भरम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। वाह 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 वाह, पूरे साहिर लोदी लग रहे यार। आप सुना दे कोई शेर, मैंने फैसला करवाना है कि किसका शेर ऑडियंस को, मैं आवाम का जो है ना जौक देखना चाह रहा हूँ। मुझे लगा बहुत अच्छा शेर, वो अच्छा शेर आ रहा है। ओ, ओ। मेरी अच्छा चटी हिस कह रही है। ठीक है, यूनुस भाई को लग रहा है कि वो अच्छा शेर, कल मुझे रोना आ रहा था तो मुझे लगा कि मुझे रोना आ रहा है, लेकिन आज आमना के बैठने लग रहा है कि आज मुझे अच्छा शेर। हाँ जी, आमना आ गई। इरशाद इरशाद के, इरशाद 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 सलमान, इरशाद इरशाद। हाँ, उसे मेरा ख्याल है। खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है भाई। वाह। उसे मेरा ख्याल है, फकत मेरा ख्याल था। वाह 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 वाह, इतनी ये तो मैं भी अभी पहुंचा हूँ इसमें, महमूद आयास पे पहुंच गई है। ओ भाई, उसे मेरा ख्याल है, फकत मेरा ख्याल था। भाई इतना बड़ा शेर सुना दिया, कल की छुट्टी हो गई। कल छुट्टी है। ये कौन इतना चौड़ा चल रहा है, तो हमने इलियास को भी लिफ्ट नहीं करा रहा है, जिनके लिए शेर कह रहे हैं कि उसे मेरा ख्याल है, फकत मेरा, ये वैसा शेर है। अब मैं भी सुनाऊं, अब आपने फैसला करा। चार शेर होंगे, एक आपका, एक आपका, एक आपका, एक मेरा। अर्ज किया है भाई, आप एक शेर सुनाने की हो रही, दो नहीं हो रहे। ये उस तरह का शेर है, अगर वो पूछ ले हमसे, खत्म नहीं हुआ अभी। अच्छा, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, टैक्स का, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले। अब ऑडियंस आपने ईमानदारी से फैसला करना है, तालियां बजा के, जिनके ख्याल में सबसे अच्छा शेर आदि भाई ने सुनाया, तालियां से बताएं। समझ गए होंगे आप, जिनके ख्याल में मिफ्ता साहब ने सबसे अच्छा शेर सुनाया, इसाकदार के लोग हैं, जिनके शेर, जिनके ख्याल में आमना साहब ने सबसे अच्छा शेर सुनाया। ये लड़कों पे मौत पड़ती है। जिनके ख्याल में मैंने कोई अच्छा शेर सुना, ये
ये बिक गई है, गवर्नमेंट बिक गई है, टाई पड़ गई, टाई पड़ गई, टाई पड़ गई, ये थर्ड पैर पे जाऊं मैं, ये ऑडियंस, ये बिक गई है, ये बिक गई है, ये बिक गई है, ये बिक गई ऑडियंस, ये ऑडियंस कभी आपको हारने नहीं देगा यार, ईमान से हमारा कोई मैच फिक्स नहीं है यार, क्या है भाई, हो गया, आवाम का फैसला आ गया भाई, कोई बात नहीं वसीम भाई, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा जी, मैंने उससे भाई बस खत्म हो गया शेर, लेकिन सवाल यार आदि भाई प्लीज, ऑडियंस ने पता क्यों साथ दिया, क्यों भागे नहीं आज, उन्होंने कहा यहाँ से जितवा दे, अच्छा भाई आपने ये शेर है, एक ही सप में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा रहा, दो कैरेक्टर्स हैं इस शेर में, एक का नाम है महमूद, एक का नाम है अयाज, सवाल आपसे जिसकी ये दोनों जवाब देंगे, इनमें से एक आदमी सही जवाब दे रहा होगा, कि महमूद और अयाज कौन है, ये दो कैरेक्टर्स कौन है, ये सवाल है, ठीक है, और आपने ऐसे हंस रही है ऐसे मैं पता नहीं है, सर पहले कि आप पूछें किससे पूछने के, कौन जवाब बताए, बजट से जी, बजट सर, बजट सर आपका नाम रखा है, बजट सर, देखेंगे जो महमूद था ना, ये बिल्कुल ऐसे था जैसे इसहाक डार, सर आप इसहाक डार से तो निकले, क्या कर रहे हैं आप, और जो अयाज था वो मेरी तरह का गरीब आदमी था, अच्छा महमूद एक अमीर आदमी, एक आका था, ये उसका गुलाम था, अच्छा ये दोनों साथ पले बड़े, बड़े हो गए और इनकी रियासत में डॉलर जो है पता नहीं कितने पे पहुंच गया, डॉलर को छोड़े अच्छी है, फिर ये एक शादी में गए, उस शादी में खाना जो था वो था ही नहीं, जो अभी आप दिखा रहे थे ना थोड़ी देर, वो खाना नहीं था, बाकी सारी फजूल बातें, इसका मतलब कि आपका जवाब ये है कि महमूद कौन था, बादशाह था, महमूद बादशाह था, ये अच्छा ये जब गए ना खाना खाने, वो खाना था नहीं वहाँ पे, तो वो दोनों एक ही कतार में शीरमाल की कतार थी, अच्छा। इधर खड़े हो गए दोनों, इसने कहा कि मैं आपको फिल्टर करके देता हूँ जवाब, तो इनका एक मामू थे जानने वाले, नून लीग में थे वो, बस सर मैं समझ गया, मैं आपका जवाब आ गया भाई, वो ये कह रहे हैं कि महमूद और अयाज जो है ना वो बादशाह और गुलाम थे, ठीक है, इनमें से एक आदमी बादशाह है, तो इनके मतलब इनके ख्याल के मुताबिक शेर का मतलब है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, बादशाह और गुलाम एक ही सफ, ये इनका जवाब, ठीक है आप बताएं बगैर इधर उधर जाए, महमूद और अयाज जो है वो दो भाई थे, अच्छा इन्होंने डाली एक छोटी सी दुकान साइकिल के पंचरों की, मैं आपको फिल्टर करके दे दूंगा जवाब, लेकिन वो पंचर लगाते लगाते एक दिन एक भाई का जो उंगली है हाँ। वो आ गई चेन में, तो जब चेन में आई तो उसने कहा अयाज, तो अयाज आया पीछे से ना, पीछे ये पीछे से अयाज आया, उसने कहा हाँ भाई हाँ। क्या सीन है हाँ। तो उसने कहा हाथ कट गया, अच्छा दोनों गए हैं हॉस्पिटल, अब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ठीक है, भाई सवाल था कि महमूद और अयाज कौन है यार, ये अच्छा दो भाई बताएं यार क्या कह रहे हैं, दो भाई हैं महमूद और अयाज, दोनों भाई थे, अच्छा एक था रिच, ओके लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव पर्सन, वेरी एक्सपेंसिव पर्सन, एंड अदर वाज वेरी चीप पर्सन, अदर इज लाइक अ पाकिस्तान वेरी पुअर राइट नाउ, ओके ठीक है, तो एक अमीर भाई था एक गरीब भाई था, ठीक हो गया, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा, बस आगे समझ में, आगे मैं समझा दूंगा, एक ही सब में खड़े हो गए शहबाज और नवाज, ठीक है नहीं वो तो आसिफ और नवाज खड़े हो गए ना आज के लेके, सो ये कह रहे हैं कि महमूद और अयाज दो भाई थे, उनमें से एक बहुत अमीर दूसरा बहुत गरीब था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का यानी अमीर भाई गरीब भाई का ख्याल रखता था, तो एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, सो अब आपने बताना है कि भाई थे अमीर गरीब भाई या आका और गुलाम, आपका वैसे क्या ख्याल है, मशवरा लेने से पहले यू आर अलाउड टू टेक मशवरा, मेरा आई थिंक भाई वाला, आपको लग रहा है भाई वाला गया, हाँ। सही हो गया, आपका भी ख्याल है, हो गया हो गया, हो गया इनका लोग, अच्छा आपका क्या मशवरा है, बस जो ये कह रही है, जो ये कह रही है उसके साथ है, लेकिन इनका काम हो गया, अच्छा गलत हो गया है, मशवरा करेंगे तो बताऊंगा ना, मुझे उधार भी मांग लेंगे, आपने पूछा कि आपके ख्याल में क्या है, तो मेरे ख्याल में भाई है, अभी तो इनका ख्याल चल रहा है ना, अभी मैं आपसे इनके ख्याल में भाई, आपको नहीं कहा, आपका मुंह क्यों बन गया, आपको भाई नहीं कहा, महमूद का ख्याल है, मुझे लगता है कि भाई बहन, भाई बहन तो नहीं कह रहे भाई, भाई 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 का है, अच्छा भाई का है, मुझे लगता है कि वो है, अच्छा वो दूसरे वाले भाई है, यानी आका गुलाम है, बादशाह, अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हाँ। इधर भी एक आदमी बैठा हुआ है, जी सर, क्योंकि आपने देखा नहीं पूरे शो में, मेरे ख्याल से आका और गुलाम के साथ जाना चाहूंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करे ना, नहीं आप मेरे ऊपर आप बता दे, इनको वो तो बता दे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, माइनस है हमारा, माइनस है, माइनस में बहुत ट्रस्ट करते हैं, हम आपको अब आप का ख्याल है कि ये जवाब सही है, दोनों मेहमानों का ख्याल है कि ये जवाब सही है, आका गुलाम वाला, 5 सेकंड देते हैं अब आप डिसाइड करने के, आका गुलाम या दो, 5 सेकंड दें, हियर वी गो, 5
दोनों भाइयों नहीं, भाइयों वाले ऑप्शन का इंतखाब कर लिया, भाई भाई वाले। और दोनों का ऑप्शन यानी आप लोगों ने मुझे गलत करा दिया, मैं बता रही हूँ गलत जवाब हो गया। अरे एक मिनट, अब भाई अब जवाब हो गया ना, मतलब शो में आगे भी कुछ कर ले, माइंड ना करें, इसी को पहले क्लियर करें, आगे फिर जाएंगे पहले। अभी बता रहे ना, सो इन दोनों का ख्याल है कि महमूद और रियाज आका गुलाम थे, और आमना का ख्याल है कि भाई भाई। नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं आप। आप एक बस जवाब बताएं कि हमारी जो आज की गेस्ट है उन्होंने ये जवाब दिया। हमारी आज की गेस्ट ने कहा है कि महमूद और रियाज भाई थे, ठीक है। ऑडियंस के ख्याल में ये जवाब सही है या गलत? ऑडियंस का भी ख्याल है कि आमना का जवाब गलत है। नहीं, चेंज कर सकते। यूनुस भाई का भी ख्याल, चेंज नहीं करते यार आप, हम मेहमान चेंज कर देंगे। आपने बताया सारों का मेहमान नहीं मेजबान। हाँ ये तो मेजबान यार, सही है। सो खवातीन हज़रात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आमना इलियास साहिबा जिन्होंने यूनुस भाई और कामरान भाई दोनों की नहीं सुनी, इन्होंने बहुत ठीक किया, ये एक अलग बात है, क्योंकि उनको वैसे भी इनकी नहीं सुननी चाहिए। लेकिन जवाब इन्हीं दोनों का सही था, आमना का जवाब गलत हो गया। मैंने आप दोनों ने मुझे कंफ्यूज किया, इन दोनों ने हम कह भी रहे थे, मैं बजट में भी ठीक था। महमूद रियाज आका और गुलाम थे, भाई नहीं थे। आप दोनों भाइयों को माजरत चाहता हूं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश।